अभी हम लोग क्या खाने वाले? अभी हम लोग खाएंगे दो तरीके की थाली, मुझे नहीं पता नहीं, एक तरीके की थाली, एक पनीर भुर्जी और पराठे। अच्छा। और देखिए यहाँ पे सैंडविच भी है, चाय भी है, आइसक्रीम भी है। हम लोग रुके हैं ढाबे पे, छाछ लाएगा ना, अभी लेंगे ना। लस्सी है या नहीं मालूम, नहीं छाछ होगी, क्या पता ठंडे छाछ होगी कि नहीं होगी। और अभी अभी हम लोग ने यहाँ पे एक बहुत सी क्यूट है ना, बहुत क्यूट कैट देखी थी। खाना आने दीजिए, फिर हम लोग आपको दिखाते हैं। अगर कैट दिखी तो दिखाएंगे। सब लोग यहाँ पे चाय पी रहे, लेकिन अभी मैं खाना खा रही हूँ तो चाय कैसे पीऊँगी। मेरे साथ आज बहुत बुरा हुआ, चाय ही नहीं मिली है ना। चाय पिया, खाना खाए, फिर गैस हो जाएगी। तो देखिए हमको 20 रुपए का रोटी दिया एक, लेकिन बटर भी नहीं लगाया है वो लोगों ने। और ये थाली 250 रुपए की है। चलो इस खाना चालू करें और बताएं क्या खा रहे हैं आप लोग। चल आयत को दे, उसको बहुत एक घंटा लगेगा। हाँ एक छाछ और लाना, दो नहीं एक ही लाना खाली। बेटा मैं चाय पीऊँगी ना, तो ठीक है हम खाकर मिलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमको काफ़ी लेट हो रहा है। वैसे बोलने के लिए कुछ खास है नहीं, पर मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी और यहाँ का खाना भी थोड़ा कॉस्टली था, पर बहुत ही अच्छा लगा। और हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं बस जाने से पहले हम लोग इधर बाहर खड़े हैं। अंदर जाके क्या बैठेंगे, थोड़ी देर इधर घूमेंगे। खाना खा लिया है, चाय पी लिया है, एकदम सब ठीक है। जैदू मम्मा को आइसक्रीम चाहिए थी ना। जैदू मम्मा इतना बेकार है ना, रात को ठंडी है फिर भी ठंडी एक पानी की बोतल ले लिया है हम लोग के लिए। ऐसे गंदा बच्चा है ना, मुझे ठंडी हो जाती बस में। बोतल और फिर ये है गरम वाली, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर। हम लोग तीनों भी आरिफ के बिना पहली बार आए ना, डरावना लगता है थोड़ा। नहीं मुझे डरावना नहीं लग रहा, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ ना, मैं अकेली हूँ ना, पर दो दो बच्चों के साथ, वो भी एक एड़ा बच्चा। इसको पैसा दी 1000 रुपया कि उसको बिल दे दे, और 1000 रुपये दे के भाग के आ गया। 800 रुपये था और बाकी पैसा वापस लेना था, पर नहीं, इतना एड़ा है ये बच्चा। इसको देखो, इस यही है वो जो बच्चा, यही सबके लिए अप्पा चाहिए रहते हैं, पैसा देने के लिए, लेने के लिए, काम करने के लिए। चलिए आगे, जैसे जैसे हमारी जर्नी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आयत जा रही है देखने के लिए कि हाजमोला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आयत की अलग ही मस्ती है। हाजमोला है, कहाँ है? अच्छे अच्छे स्नैक्स है अभी। ये वाला नहीं, वो पाउच वाला जो रहता है छोटा वाला, वो नहीं है। वाओ रिक्शा देख, एक से एक चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये हमारी महारानी जा रही है, नहीं मिला हाजमोला। वो एक अलग ही कुछ जगह है जहाँ पर भी खाना भी ना होता है, पर आज वो बंद है। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, हम गुजरात में आए थोड़ा। पापा की याद आ रही है बहुत, खाना खाते वक्त हम लोग को बहुत याद आ रही थी। हम लोग ने यहाँ पे कैट देखी, फिर मुझे ऐसा लगा कि माऊ भाग के आ गई मुझे। जब भी हम खाना खाते या फिर कहीं बाहर रहते, पापा हमेशा नखरे दिखाते। और ये क्या बात चालू हो गई, झगड़ा करने लग जाते हैं इसलिए। तुम फ्रेम में नहीं आ रही हो, हिलो मत। पापा की याद आ जाती। ये देखिए आयत आधी नींद में, अभी अभी हम लोग वॉशरूम जाके आए। हम लोग रुके हैं पेट्रोल पंप पे, ये रहा पेट्रोल पंप से अब बस हमारी चालू हो गई है। और वॉशरूम जाकर हम लोग तीनों भी आ गए, अभी काफ़ी रिलैक्स लग रहा है। और ये देखिए दो चार घंटे में पहुँचे। हाँ, और इस बार हम लोगों का बस वाला बहुत अच्छा है। हाँ। वो हम लोगों को वॉशरूम के लिए 2-3 बार रुका दिया। हाँ। तो थोड़ा रिलैक्स रहता है। अब चाय मिल जाती तो मज़ा आ जाता, खा तो कुछ सकते नहीं है ना। क्यों नहीं खा सकते हम लोग? क्योंकि हमें उल्टी आती है। हाँ, वरना खाने के लिए, स्नैकिंग के लिए तो बहुत कुछ है हमारे पास, पर हम खा नहीं पा रहे क्योंकि हमारी हालत ख़राब हो जाती है अभी। लेकिन हम लोग रिलैक्स किए, पानी पिए और बाहर के ये रहे नज़ारे, दिख नहीं पा रहा होगा ठीक से क्योंकि कांच बंद है ना।
चलिए जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मामला आपको बताएंगे, चाय मिलेगी तो मज़ा ही आ जाएगा, चाय मिलेगी तो आपको बताऊंगी। ये है हमारी ईरानी चाय, पुडिंग और पफ, तो आ जाइए हमारे साथ खा लीजिए।